जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, जहां एक तरफ सभी स्टॉक के शेयर प्राइस इन दिनों बुलंदियों पर हैं, यानी कि शेयर प्राइस में तेज़ी देखने को मिल रहा है, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। जो दिसंबर से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च तक का महीना होता है, इसको संटा रैली कहा जाता है। यानी कि मार्केट में संटा रैली कहने का मतलब यह है कि बाजार में इन्हें तेज़ी देखने को मिलती है। और जब बाजार में तेज़ी देखने को मिलती है तो जो स्टॉक्स होते हैं, खासकर जो छोटे स्टॉक जो होते हैं, उनके शेयर प्राइस में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन इंडियन इन्फोटेक में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इंडियन इन्फोटेक में तो इस साल 2022 के जनवरी के बाद से देखेंगे तो लगातार गिरावट देखने को मिला है। अब इसके पीछे की तमाम वजह हो सकती है, वजह के बारे में आएंगे और उसके बाद इस कंपनी से जो नया अपडेट निकल कर सामने आया उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इसके बारे में यदि बात करें तो पिछले कुछ दिनों में इसके प्राइस में तेज़ी देखने को मिली है। पिछले एक सप्ताह से भी ये स्टॉक भी अपर सर्किट में था, लेकिन फ्राइडे के दिन इसमें गिरावट देखने को मिली। और फ्राइडे के दिन इसका जो शेयर प्राइस था तकरीबन 2 रुपये के आसपास इसने अपना क्लोजिंग दिया, और 2 रुपये 1.48% गिरावट के बाद 2 रुपये पर इसने अपना क्लोजिंग दी है। देखेंगे तो जनवरी में जहां तकरीबन 13 रुपये का इस स्टॉक ने हाई लगाया था, वहां से अभी ये स्टॉक तकरीबन 75% से अधिक टूट चुका है। पिछले 6 माह में 28% और पिछले 1 माह में बात में तो 7% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि पिछले एक सप्ताह में स्टॉक 14% के आसपास चढ़ा भी है। अपडेट के बारे में यदि बताऊँ तो नया अपडेट यह है कि सेबी ने इसमें इंसाइडर ट्रेडिंग क्लोज कर दी है, यानी कि कंपनी के Q3 के नंबर आने वाले हैं। आपको पता है जब किसी कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले होते हैं तो उसमें इंसाइडर ट्रेडिंग क्लोज कर दी जाती है, ताकि जो कंपनी के अंदर के लोग हैं वो इसको मैनिपुलेट ना कर सके, यानी कि अंदर की जानकारी के तहत इसमें ट्रेडिंग करके मोटा पैसा ना कमा सके। इसलिए सेबी किसी भी स्टॉक में और जब उसका क्वार्टर का नंबर आने वाला होता है तो उसमें इंसाइडर ट्रेडिंग उसकी क्लोज कर देता है। तो ये अपडेट था जिसके बारे में मैंने बताया। अब आपको इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड का कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताते हैं, जिसके बेसिस पर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक यदि है तो होना ही चाहिए। आपको इसमें लॉस में है तो निकलने की जरूरत नहीं है। जैसे इस कंपनी के पास रिजर्व है तकरीबन 132 करोड़ रुपए के आसपास और कर्जा बिल्कुल नहीं, यानी कि डेट फ्री कंपनी है। और उसके बाद इसके ऊपर 132 करोड़ रुपए का रिजर्व यानी कैश पैसा है, और धीरे धीरे पिछले कई क्वार्टर से इस कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू तकरीबन 2 रुपये से अधिक है, ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। और इस कंपनी का शेयर प्राइस बुक वैल्यू से कम है, यानी कि कह सकते हैं एक प्रकार से अभी सस्ता है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय दोनों इस कंपनी का पॉजिटिव है, ये एक काफ़ी खास अहम बात है। और सबसे कमाल की बात यह कि पिछले कुछ सितंबर क्वार्टर की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें देश के म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखी है। तकरीबन इस समय इसमें 0.22% के आसपास DII की हिस्सेदारी हो गई है। तो जब किसी स्टॉक में DII या FII की हिस्सेदारी बढ़ती है तो ये अच्छा माना जाता है, एक अच्छा संकेत होता है कि उस स्टॉक में पॉजिटिव रैली आ सकती है। तो इस लिहाज से भी कंपनी ठीक है। हालांकि सेल्स में पिछले कुछ क्वार्टर से बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। प्रॉफिट में देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट में लगातार डिक्रीजिंग देखने को मिल रहा है, ये चिंता की बात हो सकती है। लेकिन कुछ इस जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। इस लिहाज से ये स्टॉक यदि आपके पास है तो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ जानकारी ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।